दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों 17 जून 2021 आज का लव टिप्स जानते हैं। आज क्या उपाय करें जिससे आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपके रिलेशनशिप की स्थिति अच्छी हो जाए और आज का दिन आपका बेहतर जाए, आज का दिन चारों ओर से सकारात्मक ऊर्जा से प्रफुल्लित हो जाए, हर प्रकार से आपके जीवन में आनंद आ जाए। आप अगर मैरिड लाइफ, लव लाइफ में किसी भी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आज का उपाय जरूर कर लें। आज का जो उपाय है वो विशेष रूप से आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ इत्यादि की प्रॉब्लम को तो सॉल्व करेगा ही, एक विशेष रिलेशनशिप में अगर कोई आपकी मनोकामना है, कोई मन में इच्छा है, चाहे वो लव मैरिज को लेकर के है, या कोई पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं आपकी लव मैरिज को लेकर के, या आपके पार्टनर नहीं मान रहे हैं लव मैरिज को लेकर के, या कोई इच्छा है आपको उनके मन में, वो इच्छा जो आपके मन में है वो उनके मन में भी डालनी है, उनके मन में भी बैठानी है, उनके दिमाग में भी, उनके दिल में भी वो बात बैठ जाए कि अब मुझे भी यही करना है जो आप चाहते हैं। चाहे वो आपकी इच्छा ये हो कि आपकी लव मैरिज हो जाए, चाहे आपकी इच्छा ये हो कि आपका रिश्ता अच्छा हो जाए, चाहे आपकी इच्छा ये हो कि आप जीवन भर साथ रहें, कोई भी इच्छा हो आपकी, मन की इच्छा को पूरी करने वाला ये उपाय आज आपको बताने वाले हैं। केवल रिलेशनशिप के लिए, ओनली रिलेशनशिप में ही आप ये प्रयोग करें। आपके रिश्ते में कोई मनोकामना है रिलेशनशिप में, वो आपकी पूरी होगी, क्योंकि ये लव टिप्स है और ये चैनल भी आपके लिए लव टिप्स के लिए है और भी शॉर्ट वीडियो के लिए है, और दूसरा हमारा चैनल है जो लव लाइफ के लिए है, वो केवल लव लाइफ के लिए है। यहाँ पर आपको शॉर्ट वीडियो मिलते हैं। अभी फिलहाल मैं आपको शॉर्ट वीडियो नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि शॉर्ट वीडियो में वो लव टिप्स पूरा हो ही नहीं पाता है, इसलिए लव टिप्स दे रहे हैं। लेकिन शॉर्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था ना कि हम आपको भविष्यवाणियाँ, चाहे वो राजनीति से संबंधित हो, क्रिकेट से संबंधित हो, देश विदेश से संबंधित हो, वो छोटी छोटी जानकारियाँ जिसमें आपको केवल ये जानना होता है कि आखिर होगा क्या, आपको ये नहीं जानना होता कि ये होगा कैसे, इसका रीज़न क्या है। रीज़न कुछ लोगों को जानना होता है, कुछ लोग, ज़्यादातर लोग नहीं जानना चाहते, उन्हें सिर्फ ये चाहिए कि ये बात सच होगी और कब होगी और ऐसा कब होगा। तो हम उसके लिए शॉर्ट वीडियो बनाएंगे और आपको भविष्यवाणी बताया करेंगे। जब क्रिकेट इत्यादि में अगर आपकी दिलचस्पी हो तो आप कमेंट बॉक्स में, मुझे तो इतनी नहीं है और ना मुझे जानकारी है, लेकिन मैंने इसके बारे में भविष्यवाणियाँ की, बहुत कुछ जानकारी दी है और हमेशा सटीक गई है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो जानकारी भी आपको दिया करूँगा। लेकिन जो लोग दिलचस्पी रखते हैं वो याद रखें, मुझे ये बात पता भी नहीं होगी कब मैच इत्यादि हो रहा है, या IPL इत्यादि या 2020 वगैरह ये जो मैच होंगे उसमें आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे तो मुझे पता चल जाएगा, बाकी मुझे पता नहीं चलेगा, इसलिए आप ज़रूर बताया करें और बाकी मेरे लोग मुझे बता देंगे। लेकिन आप भी अगर इसमें हिस्सा बनना चाहते हैं तो ज़रूर बताइएगा। कोई भी बात या किसी भी चीज़ पर आप मेरा प्रेडिक्शन चाहते हैं, मेरी सटीक जानकारी चाहते हैं, तो उसके लिए कमेंट किया कीजिएगा। कोई भी जानकारी हो मैं कोशिश करूँगा कि वो आपकी कमेंट मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, मैं कोशिश करूँगा उस पर वीडियो बनाया जाए, तो ज़रूर किया कीजिएगा। अब उपाय जान लेते हैं क्योंकि ये तो लव टिप्स का वीडियो है और लव टिप्स जानते हैं क्या उपाय करना है आपको। उपाय में आपको एक काम करना है, बहुत ही छोटा सा प्रयोग है जो आपकी मनोकामना पूरी कर देगा। एक रूमाल लेना है, सफ़ेद रूमाल, सूती रूमाल हो, और उसमें आपको 5 पान के पत्ते रखने हैं, 5 पान के पत्ते और लाल 5 फूल रखने हैं, 5 लाल फूल और 5 पान के पत्ते। ये रखने के बाद में आप उसमें एक काजल की डिब्बी रखें, काजल की डिब्बी या थोड़ा सा कागज़ में या किसी में लेकर के काजल रख दें, या काजल की डिब्बी आ जाएगी मार्केट से, वहाँ से ले आएँ वो रख दें। काजल की डिब्बी रखने के बाद में एक भोजपत्र का टुकड़ा लें और भोजपत्र के टुकड़े पर आपको लाल पेन से अपनी मनोकामना लिखनी है, और जब मनोकामना लिखें तो नीचे आप अपने पार्टनर के नाम का पहला अक्षर और अपना नाम का पहला अक्षर मिला करके रख दें, मिला करके लिख दें, मिला करके नीचे मनोकामना के नीचे लिख दें केवल पहला अक्षर, उस पर मात्रा इत्यादि है वो भी लिख दें उसी अक्षर पर। तो ये आप लिखने के बाद में, मिला करके लिखना है आपको, उसके बाद में अपने सीधे हाथ का अंगूठा उस जो दो अक्षर लिखेंगे आप नाम के उसके ऊपर ऐसे रखेंगे, और रखने के बाद में, अंगूठा रखने के बाद में मन में प्रार्थना करेंगे कि ये प्रार्थना पूरी हो, और अपने पार्टनर का नाम लेंगे मन में
जो मनोकामना है उसे आप स्मरण करेंगे और बहुत ही सच्चे भाव से प्रार्थना करेंगे। अपने जो भी इष्ट देव हैं, जो आप जिन्हें मानते हैं, जिनकी पूजा करते हैं, जो भी आपके धर्म संप्रदाय में हैं, उनको आप प्रार्थना करके स्मरण करें और उसके बाद में इसे भोजपत्र को भी उसी रूमाल में रख दें। उसके बाद में उसे बांध दें, आप धागे से, लाल या पीले धागे से बांध दें, या फिर उसे आप रूमाल में ही ऐसे बांध दें, लपेट दें और गांठ लगा दें उसमें। उसके बाद में वो रूमाल, सामग्री भरा रूमाल, आप अगर हो सके तो दोपहर के 12 बजे से 1 बजे के बीच में किसी चौराहे पर जाकर, सुनसान चौराहे जहाँ कोई देख ना पाए आपको, वहाँ पर जाकर के रख आइए। और घर से थोड़ा सा दूर हो या ज़्यादा दूर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस चौराहा होना चाहिए। चौराहा मतलब चार रास्ते जहाँ पर मिले हुए हों आपस में, वहाँ पर, और कोई देख ना पाए, इस चीज़ का ध्यान रखें। और रखने के बाद में, एक जगह रखने के बाद में पीछे मुड़ के नहीं देखना है, सीधा अपने घर आ जाना है और उसके बारे में कोई आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। आपकी मनोकामना निश्चित रूप से लगभग 11 दिन के अंदर ये मनोकामना आपकी पूरी हो जाएगी। और दोबारा कम से कम 11 दिन तक उस रास्ते पर ना जाएं, उस चौराहे पर ना जाएं, इस चीज़ का भी ध्यान रखें। दोस्तों, यह था उपाय, यह था लव टिप्स। अगर आप करेंगे तो इससे लाभ पाएंगे, बहुत ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। और अगर ऐसे ही लव टिप्स देखना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आई इसे लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।